ज्ञान द ट्रेजर में आपका स्वागत है और हम आपको बताएंगे कि कर्ज लेते या देते समय ज्योतिष के कुछ नियम को आप फॉलो कीजिए तो आप फायदे में रहेंगे। कई बार जीवन में बड़े बड़े काम में इन्वेस्टमेंट करने के लिए कर्ज लेना या देना पड़ता है, मगर ऋण में ऋण लेना और देना दोनों ही काफ़ी जोखिम के काम हैं। तो चलिए हम आपको बताते हैं कि ऋण लेने और देने से जुड़ी ज्योतिष मान्यताओं को, किस दिन कर्ज लेना और देना शुभ होता है और किस दिन अशुभ। जैसे सोमवार है, सोमवार को कर्ज लेने या देने का शुभ वार माना गया है क्योंकि इस दिन की अधिष्ठात्री देवी माँ पार्वती है और संबंधित ग्रह चंद्रमा है। फिर है मंगलवार। मंगलवार को कर्ज लेना बिल्कुल भी शुभ नहीं होता है, बल्कि इस दिन यदि कोई पुराना कर्ज हो तो उसे चुका देना चाहिए, चुकाना शुभ होता है। फिर है बुधवार। इस दिन पर बुध ग्रह का प्रभाव है जिसे कि नपुंसक माना गया है, इसलिए बुधवार को कर्ज लेना और देना शुभ नहीं होता है। फिर है गुरुवार। इस वार को लघु संज्ञक शुभ वार माना गया है। गुरुवार को कर्ज देना नहीं चाहिए, मगर इस दिन कर्ज लेना लाभदायक हो सकता है क्योंकि मान्यता है कि इस दिन लिया गया कर्ज जल्दी चुक जाता है। फिर है शुक्रवार। शुक्रवार पर शुक्र का प्रभाव होता है, इसलिए यह एक सौम्यक संज्ञक वार है और यही कारण है कि इस दिन कर्ज लेना और देना दोनों शुभ माना गया है। फिर है शनिवार। शनिवार के दिन किए गए काम लंबे समय तक स्थिर रहते हैं, इसलिए इस दिन लिया जा रहा या दिया जा रहा कर्ज लंबे समय में चुकता है। यही कारण है कि कर्ज लेने और देने के लिए यह दिन शुभ नहीं है। फिर है रविवार। अभी ये वार सूर्य से प्रभावित है, इसलिए इसे क्रूर संज्ञक माना गया है। इस दिन कर्ज लेना और देना दोनों शुभ नहीं होता। तो धन्यवाद, आप हमारे चैनल पर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट दीजिए। धन्यवाद।